हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आपको पता है कि हम एनएलएम पढ़ रहे थे। एनएलएम में कल के लेक्चर में हमने लेंथ कंस्ट्रेंट वगैरह के बारे में बात करी थी, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, तो हम स्प्रिंग के बारे में पढ़ेंगे फिर, ठीक। इस पे किस तरीके की प्रॉब्लम्स बनती हैं उनको जानेंगे हम, ठीक है। तो हमने बोला कि मान लीजिए ये एक स्प्रिंग है, ठीक। कैसी स्प्रिंग लेते हैं, सबसे पहले तो हम कैसी स्प्रिंग लेते हैं, मासलेस स्प्रिंग लेते हैं, ठीक। मासलेस स्प्रिंग लेते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में खींचूंगी, किससे, किसी फोर्स से, एफ से। मैंने बोला ये कोई वेरिएबल फोर्स है, ठीक है, वेरिएबल फोर्स है। तो मैंने बोला जितना मैं खींचती रहूंगी, जितना खींचती रहूंगी उतना क्या है, स्प्रिंग खींचती जाएगी, ठीक है। और उतना ही क्या है कि मुझे क्या दिखेगा, पता चलेगा कि क्या है कि ये स्प्रिंग मुझे इस तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। जितना मैं स्प्रिंग को आगे खींचने की कोशिश करूंगी उतना ही मुझे पता लगेगा कि यार स्प्रिंग मुझे पीछे की डायरेक्शन में भी खींचने की कोशिश कर रही है, ठीक। तो मैंने बोला मान लीजिए मैंने इसको एक्स आगे चलाने की कोशिश करी, ठीक है, जब तो मुझे ये महसूस हुआ कि स्प्रिंग में मुझे क्या है कि यार पीछे की तरफ खींच रही थी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब किसी फोर्स एफ को हम आगे लगाते होंगे तो स्प्रिंग में भी एक फोर्स आती होगी, ठीक है। वो मैंने बोला किसके बराबर है, एसपी के बराबर है, ठीक है। तो मैंने बोला जितना मैं एक्स को बढ़ाता जाऊंगा, जितना हम एक्स को बढ़ाता जाएंगे उतना ही ये स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगी, स्ट्रांग होती जाएगी, होती जाएगी ना, होती जाएगी। तो पक्का आप महसूस कर सकते हो। तो आप लिखोगे एफ एस पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ के एक्स। क्यों माइनस ऑफ के एक्स क्यों लिखा, मैंने बोला अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है। तो मैंने बोला स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, नेगेटिव ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या हो जाएंगे एफ एस पी को, अब मुझे ये क्या क्या प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाना है, तो क्या मैं एक कॉन्स्टेंट यूज कर सकती हूँ, क्या यूज करते हैं हम इसके लिए, हम के कॉन्स्टेंट यूज करते हैं, ठीक है। इस के को हम क्या बोलते हैं, इस के को क्या बोलते हैं हम बोलते हैं स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। क्या बोलते हैं हम, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट बोलते हैं, ठीक है। कोई घबराने की बात यहां तक नहीं, ठीक। तो मैंने बोला यहां पे क्या हुआ कि जब तक फोर्स, कोई फोर्स नहीं लग रही थी, तो अगर कोई फोर्स नहीं लग रही होगी तो स्प्रिंग में क्या होगा, इलोंगेशन होगा कि कंप्रेशन होगा, कुछ भी नहीं होगा। स्प्रिंग कैसी रहेगी, अपनी नेचुरल लेंथ पे रहेगी। नेचुरल लेंथ का मतलब क्या होता है, नेचुरल लेंथ पे रहने का मतलब क्या होता है, नेचुरल लेंथ पे रहने का मतलब होता है कि जब स्प्रिंग में ना ही इलोंगेशन हो रहा है, ना ही इलोंगेशन है और ना ही क्या है कंप्रेशन, ठीक। जैसे ही हम फोर्स अप्लाई करना चालू कर देते हैं, जैसे हम अगर इसको बाहर की तरफ खींचना चालू कर दूंगी, मैं बाहर की तरफ खींचूंगी तो स्प्रिंग फोर्स कैसे आएगी, अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, कैसे, एफ एस पी ऐसे करके आएगी, ठीक है। जितना खींचेंगे उतना स्प्रिंग फोर्स क्या है बढ़ती चला जाएगी, ठीक है। तो इस समय क्या आ जाएगा स्प्रिंग में, क्यों क्या आ रहा है स्प्रिंग में, इलोंगेशन आ रहा है, बाहर की तरफ हम खींच रहे हैं। यदि यही स्प्रिंग है, यही स्प्रिंग है हमारी, ठीक है, अभी ये नेचुरल लेंथ पे है, ना ही इलोंगेशन ना ही कंप्रेशन, जब कुछ भी नहीं रहता है तो नेचुरल लेंथ पे कहते हैं स्प्रिंग को। हमने बोला इसको ऐसे क्या करो, अंदर की तरफ पुश करना चालू कर दो, स्प्रिंग रखी है हमने बोला घुसाओ उसको अंदर की तरफ, हम क्या करेंगे घुसाए लगेंगे। आप ये महसूस कर पाओगे कि जब आप स्प्रिंग को उस तरफ पुश कर रहे हो तो स्प्रिंग आपके हाथ को अपोजिट डायरेक्शन में पुश कर रही होगी, आपके हाथ को क्या करेगी अपोजिट डायरेक्शन में पुश करेगी। तो अभी एफ एस पी मतलब स्प्रिंग फोर्स का जो डायरेक्शन है वो किसकी तरफ आएगा, बाहर की तरफ आएगा। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स आ रही होती है। कोई कहने में कोई दिक्कत है, ये कोई दिक्कत नहीं। तो हमने बोला इस समय क्या होगा, स्प्रिंग क्या होगी, कंप्रेस हो जाएगी थोड़ी सी। हमने बोला एक्स से मान लो कंप्रेस हो गई, तो मैंने बोला स्प्रिंग कुछ यूं दिखने लगेगी, पहले यूं थी अभी एक्स से कंप्रेस हो गई, स्प्रिंग कुछ यूं लगने लगी, ठीक है। इस मोमेंट पे क्या स्प्रिंग क्या आपकी नेचुरल लेंथ पे है, नहीं, क्योंकि स्प्रिंग में क्या है कुछ कंप्रेशन प्रेजेंट है। कितना कंप्रेशन प्रेजेंट है, आप बोलोगे एक्स कंप्रेशन प्रेजेंट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब कुछ चीजें देखेंगे स्प्रिंग पे, क्वेश्चन वगैरह देखते हैं। हमने बोला ये स्प्रिंग है, ठीक, इससे एक ब्लॉक टंगा है, कितने का है, आप बोलोगे 2 kg का ब्लॉक है, ठीक। अगर हमने बोला इसका जो K है, जो स्प्रिंग कांस्टेंट, हमने बोला 400 न्यूटन पर मीटर हमने इसको बोला है, ठीक है जी। और हमने बोला कि ये ब्लॉक क्या है, इक्विलिब्रियम में है, क्या है, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में होने का मतलब
ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, तो ऊपर नीचे की फोर्स क्या होंगी, बैलेंस हो जाएंगी। तो हमने बोला कि मान लो ब्लॉक की एफबीडी बनाएंगे तो कैसे कैसे बनाएंगे, अगर ब्लॉक की एफबीडी बनाओगे तो कैसे दिखेगा, नीचे 2G दिखेगा। ठीक, ये ब्लॉक क्या है, टंगा स्प्रिंग से, इसने 2G फोर्स नीचे लगाई होगी तो स्प्रिंग को भी नीचे की तरफ खींचा होगा, तो स्प्रिंग ने इसको किसी फोर्स लगाई होगी, ऊपर की तरफ लगाई हो ब्लॉक को, ब्लॉक को कैसे फोर्स लगाई होगी ब्लॉक पे, ऊपर की तरफ, कितनी लगाई होगी, आप बोलोगे के एक्स के बराबर लगाई होगी। एक्स क्या है इसका, यहां पे एक्स है आपका इलोंगेशन, इलोंगेशन फ्रॉम नेचुरल लेंथ, इलोंगेशन फ्रॉम नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ के बाद जितना स्प्रिंग चलती है उसे हम क्या कहते हैं, इलोंगेशन या कंप्रेशन कहते हैं। ठीक, कोई घबराने की बात है क्या इसमें, नहीं है। तो हमने बोला ब्लॉक को अगर देखोगे आप तो इसको देख पाओगे कि 2G फोर्स नीचे और ऊपर क्या है, kx। कहीं इसका एक्सेलरेशन वगैरह कुछ बोला है, नहीं, क्योंकि इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो ये कितना आ जाता है, यहां से 2G आ जाता है। ये क्या है, ऊपर नीचे कहीं नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको बोल दिया है कि इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में है, तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, kx किसके बराबर लिख सकते हैं, 2G के बराबर। अब k की वैल्यू कितनी दे रखी है, 400। एक्स हमें निकालना है इलोंगेशन कंप्रेशन, 2 × g कितना, 10। तो आपका इलोंगेशन अभी क्या है इक्विलिब्रियम पे, ये आपका कुछ यू है, 1/20 मीटर्स वगैरह में जिसमें भी दिया है उसमें लिख दिया जाएगा। कोई दिक्कत की बात है क्या इसमें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और क्वेश्चन देखेंगे हम, इसे अच्छे से समझेंगे। हमने बोला ये एक स्प्रिंग है, ये एक ब्लॉक है, फिर ये दोबारा से एक स्प्रिंग आ गई। ठीक, हमने क्या बोला, ये 2 kg का है, ये कितने का है, 3 kg का है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है इसका, आप बोलेंगे 400 N/m। ठीक, K1 K2 कितना है आपका, आप बोलेंगे 500 N/m। ठीक है, कोई घबराने की बात है, कोई घबराने की बात नहीं है। हमने बोला अगर इसमें इलोंगेशन x1 आता है और इसमें इलोंगेशन कितना आता है, x2 आता है। ठीक, x1 और x2 की वैल्यू हमें बता दीजिए जरा आप। ठीक, बता दो। तो हमने बोला अभी क्या है साहब, ये भी क्या है, इक्विलिब्रियम पे है अभी, और ये भी क्या है, इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे 2 kg वाले ब्लॉक में इलोंगेशन कितनी है, x1 है। ठीक, और इक्विलिब्रियम पे 3 kg वाली ये वाली जो स्प्रिंग है K2, इस पे इलोंगेशन कितनी है, x2। अब हमें x1 और x2 की ही वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले 3 kg वाले की एफबीडी बना लें जरा। तो हमने बोला 2 kg वाले की बना लेते हैं पहले, 3 kg वाले को छोड़ो, कितना लगेगा। हमने बोला ऊपर क्या लगेगा, इस वाली स्प्रिंग की वजह से स्प्रिंग फोर्स कितनी, K1 x1, कैसे, ऊपर डायरेक्शन में इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। हमने बोला ये वाली स्प्रिंग क्या करेगी, इस ब्लॉक को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेगी, तो कैसे फोर्स आएगी, स्प्रिंग फोर्स K2 x2। ठीक, किसका इलोंगेशन लेते हैं, जो स्प्रिंग इसका इलोंगेशन, जो स्प्रिंग उसका इलोंगेशन। ठीक, महसूस करो डायरेक्शन को, इसको नीचे, ये ब्लॉक क्या होगा, नीचे आने की कोशिश करेगा, तो स्प्रिंग क्या करेगी, उसको ऊपर पुल करने की कोशिश करेगी, अवे में लगेगी, कितनी, K1 x1। ये क्या करेगी, स्प्रिंग इसको नीचे लाने की ब्लॉक को कोशिश करेगी, कैसे लगाएगी, उसके ऊपर फोर्स, ब्लॉक के ऊपर, K2 x2 से। ठीक है, ब्लॉक पे लगने वाली फोर्सेस देखते हैं ना एफबीडी में, और कौन सी फोर्स आएगी, आप बोलोगे 2G आएगी। अभी क्या बोला है कि ब्लॉक किस पे है, इक्विलिब्रियम पे है। क्या इक्वेशन हम लिखेंगे, हमने बोला ऊपर वाली फोर्सेस नीचे वाली फोर्सेस को बैलेंस करेंगी। हमने बोला K1 x1 = 2G + K2 x2। ठीक, K1 कितना है, कितना है, 400 × x1 = 20 + K2 कितना है भाई साहब, 500 × x2। पहली इक्वेशन बनी हमारी, यहां से दूसरी इक्वेशन पे जंप करिए। दूसरी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, इस 3 kg वाले से लिखेंगे, नीचे की डायरेक्शन में 3G। ठीक, और ऊपर कौन सी स्प्रिंग है इसके पास, सिर्फ K2 वाली स्प्रिंग लगी हुई है इससे, तो कैसे आएगी, K2 x2। ठीक, अब हमने बोला ये वाला ब्लॉक भी इक्विलिब्रियम पे है, तो ऊपर नीचे की फोर्सेस बैलेंस करेंगे, कैसे, 3G = K2 x2। तो 3G कितना हो जाएगा, 30। K2 कितना है भाई साहब, 500 × x2। ठीक, ये क्या बन गई आपकी इक्वेशन 2। x2 कितना आया यहां से आपका, 3/50।
यहां से x2 उठाओ, यहां पे पुट करो, x1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी प्रेम से। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये तो बहुत आसानी से सॉल्व हो रहे हैं। ठीक, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, जरा प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको बोले इलोंगेशन निकालना है, इलोंगेशन इन बोथ द स्ट्रिंग्स, इन बोथ द स्प्रिंग्स में क्या निकालो, इलोंगेशन निकालो। यदि क्या ऐसे सिस्टम दिया है, ऐसे K1 वाली एक स्प्रिंग दी है और उससे क्या कर दिया, K2 स्प्रिंग को ज्वाइन किया, उसके नीचे क्या किया, एक ब्लॉक को ज्वाइन कर लिया है 5 kg के। अब क्या है, वो ब्लॉक इक्विलिब्रियम में आ जाता है जब, तो बोला है कि इलोंगेशन बताओ ब्लॉक में, तो हमने बोला इस ऊपर वाली स्प्रिंग में इलोंगेशन अभी इक्विलिब्रियम पे x1 और इस पे कितना है x2, तो हमने बोला अभी देखो क्या हो रहा होगा, FBDs बनाते हैं हम, तो हमने बोला 5 kg वाले ब्लॉक की FBD बनाएंगे तो हमें क्या करेंगे, फोर्सेस देखेंगे। हमने बोला नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगी, एक 5G, ठीक है, mg, ठीक, ऊपर किस वाली स्प्रिंग से ज्वाइन है, K2 वाली स्प्रिंग से ज्वाइन, तो ऊपर क्या लगेगा, K2 इंटू X2 लगेगा कि नहीं। ठीक, अब जिस पॉइंट से ये दोनों स्प्रिंग ज्वाइन है, ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट को देखोगे तो ये पॉइंट भी इक्विलिब्रियम पे होगा इस समय, होगा कि नहीं, होगा भैया। तो हमने बोला इस पॉइंट पे देखोगे तो ऊपर की तरफ फोर्स कितनी K1 X1 और नीचे की तरफ फोर्स कितनी K2 X2। ठीक, निकल गया। हमने बोला दो इक्वेशन, दो अननोन आने वाले हमारे, कैसे, हमने बोला K2X2 इक्वल्स टू 5G पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन इसमें से लिखोगे क्या, K1X1 इक्वल्स टू K2X2। कोई घबराने की बात है क्या इसमें, कोई घबराने की बात नहीं है, हो जाएंगे क्वेश्चन, देखो। ठीक, तो एक आखिरी सवाल इस पे देख लेते हैं, फिर इसको खत्म कर देते हैं। हमने बोला ये K1 कितना दिया है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 600 Nm/m, K2 कितना दिया है आपको, ये दिया है आपको 500 Nm/m। ठीक है जी, ये बात समझ में आती है। हमने बोला मान लीजिए इस वाले पॉइंट को अभी हमने आगे चला दिया है, कितने से, 12 सेंटीमीटर से चला दिया है मान लो, या 12 मीटर से, जिससे भी देख लो। ठीक है, तो हमने बोला 5 kg का ब्लॉक है, हमने बोला इस वाले पॉइंट को हमने आगे चलाया 12 सेंटीमीटर से, तो हमने बोला ये वाला पॉइंट मान लीजिए चला उसके वजह से एक्स। ठीक, क्या हमने बोला, हमने बोला K2 में जो इलोंगेशन है वो कितनी की हमने, K2 में जो इलोंगेशन करी है हमने वो कितनी करी है हमने, आप बोलेंगे कि 12 सेंटीमीटर अगर करी है, तो हमने बोला K1 में इलोंगेशन अगर आप देखोगे, K1 में इलोंगेशन अगर आप देखोगे तो वो कितनी आएगी, आप बोलेगी एक्स आएगी। ठीक, तो हमें इस x की ही वैल्यू निकाल के बता दो जरा, कैसे निकालेंगे, कैसे करोगे आप इसे। हमने बोला ये जो पॉइंट जहां से ये कनेक्ट रहते हैं ना, उस पॉइंट को देखो, ये पॉइंट को देखेंगे हम, इस पे कैसी कैसी फोर्सेस आएंगी वो देखिए आप। आप देखोगे कि ये वाली स्प्रिंग क्या करेगी, ये क्या है, पॉइंट आगे की तरफ भाग रहा होगा, तो स्प्रिंग इस पे कैसी फोर्स लगाएगी, पीछे की तरफ इसको रोकने की कोशिश करेगी, तो इस पॉइंट पे फोर्स कैसी लगाएगी, इस डायरेक्शन में लगाएगी, कितनी लगाएगी, इसका के इंटू उसका इलोंगेशन किसके बराबर हो जाएगा, 600 इंटू एक्स के बराबर हो जाएगा, के एक्स के बराबर लगाएगी कि नहीं लगाएगी, लगाएगी ना। हमने बोला ये वाला स्प्रिंग में देखो क्या हो रहा होगा, ये वाली स्प्रिंग क्या होगी कि ये क्या होगा, ये वाला पॉइंट आगे जा रहा है तो इधर से इलोंगेशन हो रहा है 12 सेंटीमीटर का, मैंने बोला लेकिन इधर से कंप्रेस, तो इधर से ये वाला पॉइंट आगे की तरफ भी मूव कर रहा है। ठीक,
क्या हो रहा होगा, हमने बोला मान लीजिए नेट हम बोलते हैं कि इस वाले पॉइंट में, इस वाले की तरफ से हमने बोला जितना ये इसको कंप्रेस, जितना इस वाले की वजह से इलोंगेशन आ रहा होगा उतना ही इस वाले की वजह से कंप्रेशन आ रहा होगा, तो हमने बोला कि इस वाले पॉइंट पे स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में लग रहा होगा कुछ, ठीक। स्प्रिंग इसको क्या करेगी, इस तरफ खींचने की कोशिश करेगी, इस वाले पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कितना आएगा, हमने बोला इसका के इंटू एक्स। अब एक्स क्या लिखोगे इसमें, आप लिखोगे 12 से ये आगे जा रहा है और एक्स से ये कम हो रहा है, 12 से ये बढ़ रहा है और एक्स से ये कम हो रहा है, तो हमने बोला नेट कितना आ जाएगा, 12 माइनस ऑफ एक्स लिख सकते हैं हम। नेट इलोंगेशन हम क्या लिखा, हम लिखा 12 माइनस ऑफ एक्स, तो हमने बोला ये वाला पॉइंट अब किधर भी नहीं जा रहा है, तो हमने बोला ये वाली फोर्स इस वाली फोर्स को बैलेंस करेंगी, कैसे करेंगी, हमने बोला क्योंकि ये वाला पॉइंट देखो फिक्स है, ये ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो हमने बोला 600x should be equals to k, किसका 500 into 12 minus of x, क्या यहां से आप x निकालोगे, निकलेगा x यहां से, निकल जाएगा यार, ये इधर जाएगा तो लिखेंगे 100x ठीक है, x किसके बराबर आता है आपका 60 के बराबर आता है, देख लेना वो, ठीक। तो यहां पे हमारा क्या है, स्प्रिंग भी खत्म होता है, आज हमने रॉड कंस्ट्रेंट, वेज कंस्ट्रेंट और स्प्रिंग वाली प्रॉब्लम्स पे डील किया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे, तो आज के लिए इतना ही।